हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी क्राउड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन परिवहन सेवा की साइट पर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल और अदर्स जितने भी लाइसेंस हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर दोस्तों आप लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लर्नर लाइसेंस के लिए करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं और कैसे अपलोड करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने बताई हुई है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। और जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरीके से आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं तो आपके तो इस पर क्लिक करके आप रीअपलोड जान सकते हो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट साइन इन या लॉग इन कर लीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये सब्सक्राइब बटन आप ये जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे भी देख सकते हो, रेड बटन सब्सक्राइब का, वहाँ से भी आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपना सर्च इंजन खोल लीजिए, जो भी आप सर्च इंजन यूज करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप परिवहन सेवा भी डाल के सर्च कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर जो आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट चूज करना है, जिस स्टेट में वे प्रोसीड करना चाहते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा इस पेज पे आ जाओगे। अब दोस्तों, दो मेथड है अपॉइंटमेंट बुक करने के। फर्स्ट तो है एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, उसके बाद प्रोसीड करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। दूसरा मेथड है, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए भी आपको करना है लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल, अदर्स जितने भी लाइसेंस हैं इस पर क्लिक करके, इन लिंक्स पे क्लिक करके, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन पर क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं रिन्यूअल डुप्लीकेट्स वाले, या ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक बार अपॉइंटमेंट कर लिया है और वो आरटीओ विजिट नहीं हुए हैं, तो जब वो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं तो उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें, तो वो कैंडिडेट्स इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर लर्नर लाइसेंस वाले ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट किया है और आरटीओ विजिट नहीं हुए हैं, उसके बाद जब आप वो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके रीशेड्यूल करना चाहते हैं और उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ये डायरेक्ट लिंक एप्लीकेशन स्लॉट बुकिंग अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग की, इस पर क्लिक करके लर्नर लाइसेंस टेस्ट वाला जो है इस पर क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। इसमें आपको लर्नर लाइसेंस जब इस पर क्लिक करोगे तो आप सारथी सर्विसेज है, सारथी सर्विस इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड, ये वाला वेरिफिकेशन कोड डालना है, जो भी उसमें आएगा रैंडम कोड आएगा आपका, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर ये स्मॉल में है तो स्मॉल डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पे ड्राइविंग स्किल टेस्ट पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ड्राइविंग डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग, इस पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालनी है। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो लर्नर लाइसेंस नंबर डाल के भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपको लर्नर लाइसेंस नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है आपको,
और उसके बाद सबमिट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकती है। ठीक है, इसमें आप ये जो है डीएल ट्रांजैक्शन स्लॉट बुक, इसमें आपको सारथी सर्विस पे क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल, अदर्स जितने भी लाइसेंस हैं उनके लिए आप इसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डीएल ट्रांजैक्शन अपॉइंटमेंट एंटर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड व्हेन एप्लीकेशन सबमिटेड। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन नंबर डालना है, इसमें एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन कोड ये वाला, उसके बाद सबमिट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत से रिन्यूअल और डुप्लीकेट या इंटरनेशनल अदर्स जितने भी लाइसेंस हैं उनके कैंडिडेट, इन सर्विसेज के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ना तो उसमें एप्लीकेशन स्टेटस में शो हो रहा है अपॉइंटमेंट का ऑप्शन, और ना ही जब वो इस पे क्लिक करते हैं ना ही उसमें शो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट आरटीओ विजिट करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उनको प्रॉब्लम बताने की हमारे उसमें शो नहीं कर रहा है अपॉइंटमेंट का, तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपकी डाउट क्यूरीज है या जो भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सभी कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।